लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज कोटा में भव्य नागरिक अभिनंदन हुआ और भामाशाह कृषि उपज मंडी परिसर में करीब 250 संस्थाओं की ओर से सांसद ओम बिरला का अभिनंदन किया गया। इस दौरान बिरला को 151 किलो की फूलों की माला पहनाई गई, साथ ही हनुमान जी की चांदी की प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। इस प्रशस्ति पत्र में ओम बिरला की ओर से किए गए कार्यों को काव्यात्मक अंदाज में बताया गया। इधर इस बीच ओम बिरला ने कोटा को शिक्षा का काशी और पर्यटन नगरी बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि मैं कोटावासियों का भाई और बेटा हूं। और इसके बाद बिरला ने सीड्स एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के साथ 1 सितंबर से कुपोषण के खिलाफ मुहिम छेड़ने की बात कही। कुपोषण को समाप्त करने के लिए व्यापक अभियान चलाया और उस व्यापक अभियान के लिए एक परिवार एक व्यापारी बोलते और जो मां बच्चा पैदा करने वाली है उस मां को 9 महीने तक उसको हर महीने भोजन सामग्री ताकि आने वाले समय के अंदर मां की भी कुपोषण से मुक्ति होगी और उसके होने वाला बच्चा भी कुपोषित नहीं होगा। कोटा की बेटियों ने राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में नाम रोशन किया है और 13वीं राज्य स्तरीय जूनियर बालक बालिका वुशु प्रतियोगिता 24 से 26 अगस्त तक दौसा में आयोजित हुई थी, जिसमें कोटा की अंजलि शर्मा, महक शर्मा और ईशा गुर्जर ने गोल्ड मेडल हासिल किया। साथ ही प्रमोद संगत और सौरभ गुर्जर ने कांस्य पदक जीता है। इस प्रतिभावान खिलाड़ियों का कोटा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कोच अशोक गौतम सहित अन्य खिलाड़ी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सांसद निवास पर यहां जनता दरबार लगा, जिसमें बिरला ने समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए।